hello everyone my name is swati i'm your english educator welcome to magnet brains today we are going to start seventh grade ncert the book's name is honeycomb and we are going to start with the first chapter three questions three questions what kind of a name is this which means obviously there are three questions joki ek this entire story is about a king okay ये किंग जो है इसको लगता है कि अगर इसके दिमाग में तीन क्वेश्चनस आते हैं उसे लगता है अगर इन तीन क्वेश्चन के आंसर्स उसको मिल जाएंगे परफेक्ट आंसर्स उसको मिल जाएंगे तो वो लाइफ में कभी फेल नहीं होगा एंड हर किंग क्या चाहता है वो चाहता है कि वो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो उसको जनरेशन्स तक लोग याद रखें उसे नेम मिले उसे बहुत ज़्यादा फेम मिले एंड जस्ट लाइक एनी अदर किंग ये किंग भी वही चाहता था वो सक्सेसफुल होना चाहता था सो ही थाट ऑफ थ्री क्वेश्चन्स अब उसने सबको बुलाया कि मुझे बताओ कि ये जो तीन क्वेश्चन हैं इनके मुझे परफेक्ट आंसर्स दो लोगों ने दिए भी बट उसको किसी से सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ कौन से वो थ्री क्वेश्चन थे एंड बाय द एंड ऑफ द स्टोरी वी विल गेट समथिंग वेरी ब्यूटिफुल अ मोरऑल जिससे शायद हमारी लाइफ भी हमेशा सक्सेसफुल रहेगी एंड दिस ब्यूटिफुल स्टोरी रिटर्न बाय लियोटॉल स्टॉय

द वर्ड सर्ट इन दिस मीन्स कि किसी पर्टिकुलर किंग हमारे पास नाम नहीं है किसी पर्टिकुलर किंग के दिमाग में तीन क्वेश्चन आए थे द फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग किसी भी काम को शुरू करने का सही टाइम क्या होता है आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि यू you नो know, जब करो जब मतलब बस चालू करो कोई सही और गलत टाइम नहीं होता बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हर काम को करने का एक सही टाइम होता है द किंग वॉन्टेड टू नो कि किसी भी काम को करने का सही टाइम क्या होता है सेकेंड विच पीपल शुड ही लिसन टू ही इज़ अ किंग बहुत सारे लोग हैं जो उसको सही एडवाइस करेंगे बहुत सारे लोग उसको गलत एडवाइस भी करेंगे तो उसे सुनना किसकी चाहिए उसके काउंसिल मेंबर्स की मतलब जो लोग उसे एडवाइस करते हैं उसकी फैमिली की उसके फ्रेंड्स की वो किसकी सुने वाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू बिकॉज ही इज ही हैज़ अ लॉट ऑफ रेस्पांसिबिलिटीज उसको अपनी लोगों का ख्याल रखना है उसको लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना है उसे अपना किंगडम को बहुत एक्सपैंड करना है बड़ा करना है तो उसके दिमाग में क्वेश्चन था दैट व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू उसके दिमाग में था कि अगर उन्हें इस तीन क्वेश्चन का मतलब और इन तीन क्वेश्चन के आंसर्स पता चल जाए देन ही विल नेवर फेल द किंग देर फो सेंट मैसेजर्स थ्रू आउट हिस किंगडम प्रोमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनी वन हु वुड आंसर दीज थ्री क्वेश्चन अब किंग ने क्या किया हर जगह अपने मैसेंजर्स भेज दिए मैसेंजर्स क्या होते हैं अ पर्सन हु कैरीज़ योर मैसेंजर अ मैसेज मतलब जैसे मैं आपका संदेश लेके अगर कहीं जा रही हूँ स्पेशली अगर मुझे कोई बिजनेस के काम से जाना है या मुझे कोई पॉलिटिकल काम से जाना है तो आई एम आई बी नोन एज अ मैसेंजर सो किंग के जितने भी संदेश वाहक थे जितने भी मैसेंजर्स थे उन्होंने उन्हें अपने राज्य में हर जगह आजू बाजू वाले सभी राज्यों में सब जगह भेज दिया एंड उन्होंने एक और चीज़ बोली कि जो मुझे इन तीनों क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर देगा I will give him a large sum of money. सम ऑफ मनी मतलब अमाउंट ऑफ मनी लार्ज सम मतलब मैं उसे बहुत सारा पैसा दूंगा Now, many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. अब बहुत लोग आए सब लोगों का क्योंकि जितने अलग अलग लोग जिस तरीके के लोग उनकी वैसी विचारधारा तो सब लोग अलग अलग तरीके से सोचते थे तो किंग को बहुत अलग आंसर्स मिले किंग को एक कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं मिला इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर टाइम टेबल नाउ वट वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग किसी काम को करने का सही वक्त क्या है लोगों ने कहा कोई सही वक्त नहीं होता आपको एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए जिसमें आप हर काम सही टाइम पे कर सकते हो ठीक है एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली और आपको एकदम प्रॉपरली वो टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरी थिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम सो अब अगर उसने टाइम टेबल सेट कर लिया तो वो हर काम सही टाइम पे कर पाएगा जैसे हमारे पेरेंट्स भी हमको बोलते हैं टू सेट अ टाइम टेबल इतने बजे उठो इतने बजे करो यूजअली हम वो फॉलो नहीं कर पाते राइट right? others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. बहुत सारे लोगों ने कहा possible ही नहीं है कि कोई भी चीज़ का right time हमें कैसे पता होगा अचानक से कोई problem आ गई अचानक से किसी you know अपने नेबर नेबरिंग किंगडम ने हम पे attack कर दिया तो हम pre प्लान तो हो नहीं सकते हमें कैसे पता होगा So they said कि कोई particular time है ही नहीं कोई right time नहीं है द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज टू वट एवर सीव नेरी एट दैट टाइम उन्होंने कहा कि कोई काम को करने का सही टाइम नहीं होता एक्जैक्टली exactly आप पहले से डिसाइड नहीं कर सकते सो वॉट यू आर सपोज टू डू जस्ट मेजरली फोकस ठीक है कि आपको बस रहना चाहिए कि आप कोई फुलिश प्लेजर्स मतलब आप अपने प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ में अगर बिजी हो वो मत करो और एज पर द प्रायोरिटी किस काम को आपको प्राथमिकता देनी चाहिए एज पर दिचुएशन दैट इज वट यू आर सपोज टू डू नाउ येट अनादर सेट अदर से किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइस मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रोपर टाइम बाकी लोगों ने उसने सजेस्ट किया कि जो किंग है उसको एक काउंसिल चाहिए वाइस मैन का नाउ वॉट इज द मीनिंग ऑफ अ काउंसिल उंसिल मीन अ ग्रुप ऑफ पीपल जो आपके जो किंग होता है उसको सजेश मतलब अगर मेरे साथ मेरे लोग हैं वो मुझे बताएंगे दै दिस इज द राइट टाइम टू डू इट ओके नाउ दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पोसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन कभी कभी हम इंडिविजुअली बहुत सारी चीजें हम सही तरीके से देख नहीं पाते परख नहीं पाते तो उन्होंने कहा कि आप अकेले डिसाइड नहीं कर पाओगे आपके पास एक टीम होनी चाहिए जो आपको कोई भी डिसीजन लेने में हेल्प करेगी बट अदर्स बट देन अदर्स सेड दैट देर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल कुछ लोगों ने कहा दैट समटाइम्स इट हैपन्स कि आपके पास बहुत ही अर्जेंट सिचुएशन आ जाती है बहुत अर्जेंट मैटर होता है जिसको आपको डील करना पड़ता है उस वक्त आप अपनी टीम का वेट नहीं कर सकते सो देर आर टाइम्स जब आपको डिसीशंस विद इन मिनट लेना पड़ता है विद इन हाफ एन आवर लेना पड़ता है आप पूरी टीम को एक साथ ला ही नहीं सकते तब इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी दे शुड लुक इन टू द फ्यूचर बड़े महान लोग थे उन्होंने कहा कि सर देखो आपके लिए अगर आपको राइट टाइम जानना है तो आप ना किसी मजिशियन को बुला लो ओके okay? वो आपको बताएगा फ्यूचर में क्या होने वाला है अब जब हमें पहले से पता रहेगा तो हम उस हिसाब से काम करेंगे राइट टाइम भी पता चल जाएगा सो द किंग देफो वुड हैव टू गो टू मजिशियंस ओके नाउ थ्री क्वेश्चन इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन सम सेट वट वॉज द सेकेंड क्वेश्चन द सेकेंड क्वेश्चन वॉज किंग को किसकी बात सुननी चाहिए सो सम दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स किसकी बात सुननी चाहिए उसके की जो लोग उनको एडवाइस करते हैं काउंसलर्स मीन्स द काउंसिल जो आपको एडवाइस करते हैं आपको सबसे ज्यादा उनकी बात सुननी चाहिए अदर सेट द प्रीस अब जो लोग बहुत रिलीजियस थे जो लोग भगवान में बहुत ज़्यादा मानते थे उन्होंने कहा काउंसलर्स वगैरह आपका कुछ नहीं करेंगे सर आप भगवान आप प्रीस्ट की बात सुनो जो पुजारी होते हैं ना उनकी आप बात सुनो बिकॉज दे आर रिलेटेड टू गॉड सो दे वुड बी एबल टू हेल्प यू अ फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डॉक्टर्स ओके सो यू शुड लिसन टू देम अदर्स सेट दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी और बाकी लोगों ने कहा कि आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके सोल्जर्स क्यों क्योंकि कभी वॉर होता है तो वही तो आपके लिए लड़ते हैं वही आपकी पूरी आर्मी को आपके पूरे किंगडम को प्रोटेक्ट करते हैं सो so, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं आपके सोल्जर्स सम सेट साइंस ओके सॉरी एंड टू द थर्ड क्वेश्चन नाउ वॉट वॉज द थर्ड क्वेश्चन द थर्ड क्वेश्चन वॉज द थर्ड क्वेश्चन वॉज वॉट लाइक uh, like, जो आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कौन सा मैटर आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है लोगों ने कहा साइंस अगर आपको साइंस पता है सो यू नो यू कैन टेक प्रैक्टिकल डिसीजन्स अदर्स चोज फाइटिंग उन्होंने बोला आप किंग हो आपका काम है आपने पूरे राज्य की रक्षा करना अपने राज्य को बढ़ाना जिसके लिए आपको वॉर्स फेस करने पड़ेंगे और लोगों से वॉर करना भी पड़ेगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फाइटिंग एंड बाकी लोगों ने कहा रिलीजियस वर्शिप भगवान में अपना ध्यान लगाइए नाउ एज द आंसर्स टू हिस्स क्वेश्चन वर सो डिफरेंट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड किंग को किसी की भी बात अच्छी नहीं लगी उसको लगा हर कोई अलग अलग बात कर रहा है अगर मेरे तीन सिंपल क्वेश्चन है तो परफेक्ट आंसर चाहिए उसने किसी को कोई रिवॉर्ड नहीं दिया इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम इन मतलब अब इतने सारे जो उसको एडवाइसेस मिले उसने सोचा ये सब मुझे नहीं करना और ही डिसाइडेड कि वो एक हर्मिट के पास जाएगा हर्मिट मीन्स एक पर्सन जिसने अपनी लाइफ अकेले जीने का डिसाइड किया है जो बहुत ही सिंपल लाइफ जीता है यूजुअली यू नो रिलीजियसली ओके सो हर्मिट इज अ पर्सन हु लिव्स अलोन एज अ रिलीजियस डिसिप्लिन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ ओके हम जो संत तरीके से कहते हैं जिन्हें सो नाओ वाइडली नोन फॉर हिज विजडम नाउ दिस हर्मिट ये जो हर्मिट था इसको हर कोई इसकी जो मतलब इसके बारे में लोग दूर दूर तक जानते थे एंड ये फेमस था अपने विजडम के लिए विजडम मतलब जिस इंसान के पास बहुत सारा नॉलेज होता है बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है और गुड जजमेंट जो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझता है उसे कहते हैं कि उसके पास बहुत ज़्यादा विजडम है सो so, इस हर्मिट के पास बहुत विजडम था एंड ये बात दूर दूर तक फैली हुई थी तो राजा ने सोचा कि अब मैं इस हर्मिट के पास जाके क्वेश्चन करता हूं द लिव्ड इन ही बुला सकता था क्योंकि हर्मिट वुड में रहता था वुड मतलब फॉरेस्ट में रहता था ओके okay? पेड़ के अंदर नहीं रहता था फॉरेस्ट में रहता था सो so ये जो हर्मिट था इसने वो फॉरेस्ट कभी नहीं छोड़ा तो अगर आपको उससे मिलना है आपको उसी के पास जाना पड़ेगा ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल अब वो ऐसा नहीं है कि आप हाथियों पे जा रहे हो घोड़ों पे जा रहे हो तो वो आपसे नहीं मिलेगा वो सिर्फ सिंपली आपको उसके पास जाना पड़ेगा एज एन ऑर्डिनरी मैन एज अ साधारण व्यक्ति ओके okay? तो आप अगर तब उसके पास जाओगे तो सिर्फ तब आपसे मिलेगा सो बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हार्ट द किंग लेफ्ट हिज होस विद हिज बॉडी गार्ड एंड वेंट ऑन अलोन सो so, किंग जो था वो अपने राज्य से अपने जो महल से तो वो अपने प्रॉपर जो है आ, उन उनकी जो हाथी होते हैं घोड़े होते हैं उनके साथ ही निकले थे लेकिन बस हरमिट की जो हट थी उससे थोड़े दूर पहले उन्होंने वो घोड़े को और उसके अपने बॉडी गार्ड को वहीं पे छोड़ दिया और फिर वो अपने उन्होंने बाकी का पूरा जो रास्ता था उसे पैदल ही तय किया नाउ As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. तो जैसे ही किंग हर्मिट के पास पहुंचा उसने दूर से ही देखा कि हर्मिट जो था एक तो वो बहुत ओल्ड था और वो डिग कर रहा था डिग मतलब खोदना ओके तो वो जमीन पे जो सीड्स डालना होता है ना तो हम कैसे छोटी छोटी क्यारियां बनाते हैं तो वो उस तरीके से जमीन को खोद रहा था ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग वो हर्मिट था उसको नहीं लगा ओ माय गॉड मेरे साथ तो राजा मिलने आया है तो पैर छू रहा है या कुछ नहीं वो उसने सिर्फ किंग को ग्रीट किया ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ग्रीट ग्रीट का मतलब होता है किसी को वेलकम करना किसी को हेलो uh, हाय बोलना दैट इज नोन टू ग्रीट समवन ओके तो उसने सिर्फ किंग को ग्रीट किया और वो वापस खोदने लगा द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्ग्ड ही ब्रीद हैवीली अब जो हर्मिट था वो बहुत ओल्ड था और वो बहुत वीक भी था और जैसे जैसे वो डिक कर रहा था वो बहुत बुरी तरीके से हाँफ रहा था द किंग वेंट अप टू हर्मिट एंड सेड अब किंग जो था वो हर्मिट के पास गया और उसने उनसे कहा आई हैव कम टू यू वॉइस हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर थ्री क्वेश्चन मैं आपके पास तीन क्वेश्चंस का जवाब ढूंढने के लिए आया हूँ तो प्लीज़ आप मेरी मदद करें और वो अपने तीन क्वेश्चंस हर्मिट के सामने रखता है हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम मैं चाहता हूँ मैं हर काम सही समय पे करूँ तो ये कैसे पॉसिबल है हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोग कौन हैं एंड वाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट और वॉट अफेयर्स अफेयर्स का मतलब होता है कौन से बिजनेस कौन से मैटर्स मतलब कौन सी वो चीज़ें हैं जिन पे मुझे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्या मुझे अपने सोल्जर्स की तरफ ध्यान देना चाहिए क्या मुझे अपने फैमिली की तरफ ध्यान देना चाहिए क्या मुझे राज्य में जो बाकी की प्रॉब्लम्स हैं पे ध्यान देना चाहिए तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होना चाहिए द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक हर्मिट ने सुन लिया बट उसने कुछ नहीं कहा वेंट ऑन डिगिंग उसने खोदना कंटिन्यू कर दिया यू आर टायट द किंग अब किंग को दिख रहा था कि वो बहुत वीक है ही इज वेरी ओल्ड तो उसने बोला आप बहुत थक गए हैं एंड देन लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस एक काम कीजिए आप जो वो जो हम जब फावड़ा होता है ना जिससे हम जमीन में खोदते हैं ओके सो इट्स लाइक दिस जो एक ऐसा होता है एंड पूरा इस तरीके से आप उसको खोदने के लिए यूज़ करते हो तो इट इज़ वाइड एंड इट इज कॉल्ड एज अ स्पेड ओके सो दिस स्पेड इज फावड़ा सो वो उससे बोलता है आप मुझे ये दे दीजिए मैं आपकी जगह खोद देता हूँ तो हेलमिट ने बोला थैंक यू एंड यू नो एंड ही मतलब उसने उसको किंग को अपना स्पेड दे दिया एंड ही सेड थैंक यू देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड हेलमिट बहुत थक गया था तो वो ज़मीन पे बैठ गया वेन द किंग हैड दू बेड्स मतलब किंग ने दो पूरी पूरी, पूरी क्यारियाँ खोद दी थी ठीक है ही स्टॉप्ड बेड्स मीन्स जो पूरे क्यारियाँ होती हैं ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिस् क्वेश्चन उसको लगा यार अब तो मैं हेलमिट की मदद भी कर रहा हूँ तो अब मैं फिर से क्वेश्चन करता हूँ सो so, उसने खोदते खोदते ही हेलमिट से वापस अपने क्वेश्चन रिपीट किए द हेलमिट गेव नो आंसर बट स्टूडअप स्ट्रेचिंग आउट हिट्स हैंड फॉर द स्पेट सो so, हरमिट ने कोई जवाब नहीं दिया और वो खड़ा हो गया और उसने अपना हाथ बढ़ाया स्ट्रेचिंग आउट मीन्स अपना हाथ बढ़ाया ये कहने के लिए कि आप एक काम करो स्पेड मुझे दे दो वापस ओके नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क आप रेस्ट करो मुझे काम करने दो बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग सो किंग ने सोचा ये इतने वीक हैं कैसे करेंगे मैं ही कर देता हूँ किंग ने उन्हें रिटर्न नहीं किया एंड ही कंटिन्यू टू डिग

स्पेड इन टू द ग्राउंड यू नो स्टक मतलब होता है स्टिक कर देना रख देना एंड ही सेड आई केम टू यू वाइस मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन उसने कहा मैं आपके पास आया था मेरे कुछ क्वेश्चन थे मैं उनके जवाब लेने के लिए आपके पास आया था if you can give me no answer tell me so and I will return home अगर आप मुझे कोई जवाब नहीं दे सकते तो बता दीजिए मैं वापस अपने घर चला जाऊंगा। हियर कम समन रनिंग सेट द हर्मिट अरे देखो कोई दौड़ते हुए आ रहा है हर्मिट ने कहा नाउ क्या उस राजा को उसके तीनों क्वेश्चन के आंसर्स मिलेंगे अब हर्मिट ने उसके क्वेश्चन के आंसर्स क्यों नहीं दिए और ये कौन दौड़ते हुए आ रहा था सो वी विल गेट टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स बट बिफोर दैट अ क्विक कॉम्प्रिहेंशन चेक सो वाई डिड द किंग वॉन्ट टू नो आंसर्स टू थ्री क्वेश्चन किंग उन तीनों क्वेश्चन के आंसर्स क्यों जानना चाह रहा था ऑब्वियसली बिकॉज ही वॉन्टेड सक्सेस राइट सो ही डू नॉट वॉन्ट टू फेल इन हिज लाइफ एंड दैट इज वाई ही थॉट दैट अगर उनको इस तीनों क्वेश्चन के आंसर्स मिल गए तो ही वुड नेवर फेल इन हिज लाइफ सो द सिंपल आंसर वुड बी द किंग वॉन्टेड टू नो आंसर्स टू द थ्री क्वेश्चन Because he wanted a successful life and he thought that if he will get to know the answers of these three questions, he will never fail in his life. Right? Now, the second question says Messengers were sent throughout the kingdom. messengers Now, the first answer says To which wise men?

या उसने इसीलिए मैसेंजर भेजा था ताकि जो लोग उसके आंसर्स दे सकेंगे वो उनको एक रिवॉर्ड देगा यू you नो know, पैसा देगा सो ऑब्वियसली समझदार लोगों को ढूंढने के लिए भी नहीं भेजा था हर को ढूंढने के लिए भी नहीं भेजा था उसने क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढने के लिए भी नहीं भेजा था उसने भेजा था ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए जो उसके क्वेश्चंस का आंसर कर सकें और जिससे वो एक अच्छा रिवॉर्ड दे सके सो so, फोर्थ इज द राइट आंसर सो वी हैव मार्क्ड आर चॉइस सो नाउ इन आर नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे क्या क्या उस किंग को वो तीनों क्वेश्चन के आंसर्स मिल सकते हैं इस कहानी में वो कौन सा मोडल है जो हमारी लाइफ को भी सक्सेसफुल करने में बहुत हेल्प करेगा और क्या होता है ये एक्चुअली दौड़ के आया कौन सो ऑल दीज थिंग्स विल गेट टू नो इन आर नेक्स्ट वेलकम ऑल द केस ओके so today we are going to do the second part of first chapter three questions so three questions में हमने last video में देखा था कि एक king के बारे में हमने पढ़ा था जिसमें उसके दिमाग में तीन questions आते हैं and उसको लगता है कि अगर उस तीन questions का उसको answer मिल जाता है तो वो कभी लाइफ में फेल नहीं होगा उसको बहुत सारी सक्सेस मिलेगी अब इसके लिए वो मैसेंजर्स भिजवाता है बहुत सारे लोगों से बातचीत करता है लेकिन उसे कोई भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता फिर वो डिसाइड करता है एक हर्मिट के पास जाने के लिए और वो जो हर्मिट होता है वो उसको आंसर नहीं देता सडनली वो लोग एक डिगिंग करते हुए डिगिंग uh, कर रहे होते हैं जो हमें क्यारियाँ जो बनाते हैं सीड्स सो करने के लिए जो सीड्स को हम जब uh, ज़मीन में डालते हैं तो उसके पहले क्यारियाँ बनानी होती है तो वो लोग किंग uh, उस हर्मिट की हेल्प कर रहा होता है उस क्यारी को बनाने में तभी वो लोग देखते हैं किंग फिर उससे पूछता है कि सर प्लीज आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दो तो, नहीं देना है तो बता दो मैं चला जाता हूँ तब वो बोलता है देखो पीछे से कोई दौड़ते हुए आ रहा है अब हम इस पार्ट में देखेंगे आगे क्या होता है द किंग टोन राउंड एंड अ अडेड मैन रनिंग टूवर्ड्स तो जैसे ही किंग पलटता है वो देखता है कि उनकी तरफ एक बियर्डेड मैन मतलब जिसकी काफी लंबी दाढ़ी है वो उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है बियर्डेड मीन्स जिसकी लंबी सी दाढ़ी है हिज हैंड्स व प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग उसके जो हाथ थे इट वॉज प्रेस्ड अगेन मतलब उसने अपने पेट को बहुत जोर से पकड़ा हुआ था दबाया हुआ था और वहाँ से बहुत सारा खून निकल रहा था वैन ही रीच द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू ग्राउंड दौड़ते दौड़ते जैसे ही वो किंग तक पहुँचा तो वो बेहोश हो गया फेंट का मतलब होता है टू लूज कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस मतलब चेतना तो वो अपनी चेतना खो बैठा और वो ज़मीन पे गिर गया द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैंस क्लोदिंग एंड फाउंड अ लार्ज वूंद इन ह स्टमक अब जैसे ही वो गिर गया तो किंग और हर्मिट दौड़ मतलब उसके पास गए उन्होंने देखा जैसे उन्होंने उसके कपड़े हटाए तो देखा उसके पेट पे एक बहुत गहरी चोट लगी हुई है जिससे बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है जो ये वर्ड है वूंड वूंड का मतलब होता है घाव द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ इज हैंड को बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग किंग ने तुरंत अपना रुमाल निकाला और उससे उस, उस खून को रोकने की कोशिश करी बट खून इतनी जा, इतना ज़्यादा निकल रहा था क्योंकि घाव बहुत गहरा था ब्लड रुक ही नहीं रहा था द किंग रीड्रेस द वूंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप किंग उसको उसने अच्छे से वॉश करके उसको बहुत बार रीड्रेस किया रीड्रेस किया मतलब बार बार कपड़ा लगाया और फाइनली खून बहना बंद हो गया द मैन फेल्ट बेटर एंड आज फॉर समथिंग टू ड्रिंक अब वो जो मैन था उसको थोड़ा बेटर लगा जो बियरडेड मैन था उसने बोला मुझे कुछ पीने के लिए चाहिए द किंग ब्रॉड फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हेम किंग तुरंत जो था वो फ्रेश वाटर लेके आया उसने उसे दिया By this time दिस टाइम द सन हैड the air was cool. द किंग विद द हॉलमिट हेल्प कैरीड द wounded मैन into the द and एंड him ऑन द बेड अब क्या हुआ था इतनी अब सन सेट हो चुका था रात हो चुकी थी हवा भी बहुत ठंडी ठंडी चलने लग गई थी तो किंग ने हरमिट की हेल्प के साथ उस मैन को उठाया वो जो वेड मैन था वो अपने आप तो चल नहीं सकता था तो हर्मिट की हेल्प से उसको उठाया और उसको जाके बेड पे लेटा दिया लेड हिम का मतलब होता है लिटा देना द मैन क्लोज हिज आइज एंड ले क्वाइट वो जो आदमी था उसने चुपचाप बस अपनी आँखें बंद करी और लेट गया ले क्वाइट मतलब चुपचाप लेट गया द किंग टायर्ड बाय हिज वर्क एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लिप थ्रू द नाइट अब किंग को थोड़ी ना आदत है कि वो रोज जो है इतनी सारी बेड्स डिक कर रहा है या वो इतना चल के किसी के पास जा रहा है तो वो भी काफ़ी थक गया था तो जैसे ही उसको टाइम मिला वो भी ज़मीन पे सो गया वेन ही अवोक इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड remember वेयर ही वॉज़ और हु द स्ट्रेंज बियडेड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज जब वो सुबह उठा तब उसको यहाँ पे उसको ही टुक सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर क्योंकि रोज़ जब वो सुबह उठता है वो अपने आलीशान महल में कंफर्टेबल बेड में होता है दो मिनट लगे उसका कि मैं हूँ कहाँ पे एंड देन ही रियलाइज कि वो तो हेलमेट की हट पे है और देन ही गॉट टू रिमेंबर कि वो जो बियर्डेड मैन था वो बेहोश हो गया था उसे वो मतलब वो बहुत ज़्यादा वॉन्टेड था चोट आई थी उसको लेकिन वो था कौन किंग को कोई आइडिया नहीं था अवेक का मतलब है यहां पे जो अवोक है इसका मतलब है जब वो उठा फो गेव मी द बियरडेड मैन इन अ वीक वॉइस वेन ही सॉ दैट द किंग वॉज अवेक जैसे ही किंग उठा तो जो बियर्डेड मैन था उसने हाथ जोड़ के किंग से माफी मांगी फो गिव मी अब किंग को कोई आइडिया नहीं था कि इसको क्या हुआ ये मुझसे क्यों माफी मांग रहा है आई डो नॉट नो यू एंड नथिंग टू फो गिव यू फॉर किंग ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता आई डू नॉट नो यू एंड मैं तुम्हें किस बात के लिए माफ़ करूं आई हैव नथिंग टू फॉर गिव यू फॉर मुझे मेरे पास कुछ है ही नहीं जिस चीज़ के लिए मैं तुम्हें माफ़ करूं सेट द किंग यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू जो बियर्डेड मैन था उसने कहा आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानता हूँ आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हुवेंज ऑन यू बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी मैं आपका वो एनिमी हूँ दुश्मन हूँ हु स्वर रिवेंज ऑन यू जिसने आपसे बदला लेने की प्रतिज्ञा की थी स्वर का स्वर रिवेंज का मतलब होता है जैसे हम ठान लेते हैं कि इससे तो मुझे मतलब रिवेंज uh, प्रतिशोध लेना ही है इससे मुझे बदला लेना ही है उसको बोलते हैं स्वर रिवेंज सो स्वर का मतलब होता है कसम खाना तो मैंने कसम खाई थी कि मैं आपसे बदला लूँगा क्योंकि आपने मेरे भाई को मारा था और आपने हमारी पू हमारा पूरा राज्य जो था उसे सीज कर लिया था अब सीज का मतलब होता है फोर्सफुली कोई चीज़ को लेना तो वो राज वो जो राजा था उसने उसके भाई का और उसका पूरा जो किंगडम था उसको फोर्सफुली ले लिया था उसके भाई को मार दिया था आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हेलमेट एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम मुझे आप मुझे ये पता चला कि आप इस हेलमेट से मिलने अकेले गए हैं तो मैंने आई मेड अप माई माइंड का मतलब होता है मैंने मन बना लिया था कि जब आप वापस घर जाएंगे तब मैं आपको मार मार डालूंगा बट द डे पास एंड यू डिड नॉट रिटर्न लेकिन पूरा दिन गुजर गया और आप वापस नहीं आए अब राजा कहाँ था राजा हरमिट की हेल्प कर रहा था वो उसके लिए डिगिंग कर रहा था इसलिए राजा वापस नहीं आया सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस योर बॉडी गार्ड हुईज मी एंडेड मी तो जहाँ वो छुपा हुआ था राजा पे अटैक करने के लिए अब जब राजा शाम तक नहीं आया तो उसको लगा कि राजा कहीं निकल तो नहीं गया कहीं हो सकता है मैंने देखा नहीं हो लेकिन तब मैं अपनी जहा मैं छुपा था हाइडिंग प्लेस मतलब जिस प्लेस पे मैं छुपा था वहाँ से मैं बाहर आया पर आपके बॉडी ने मुझे पहचान लिया रिकग्नाइज़ का मतलब होता है किसी को आइडेंटिफाई करना किसी को पहचान लेना एंड वेड मी और उसने मुझ पर अटैक किया और मुझे चोट लग गई आई एस्केप्ड फ्रॉम हेम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रस्ट माई वून्स आई एस्केप्ड हेम एस्केप्ड का मतलब होता है भाग जाना मतलब किसी को किसी से कहीं से भाग जाना तो मैं उससे तो भाग गया बॉडी से अपनी जान बचा के मैं भाग गया लेकिन अगर आप मेरे जो मेरे जख्म को पट्टी नहीं करते अगर आप मेरे ड्रेस जो मेरा पूरा वूंड है उसको रीड्रेस नहीं करते तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होता आई विश्ड टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ मैं आपको मारना चाहता था और आप ही ने मेरी जान बचाई है नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज यू आर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम अब अगर आप मुझे माफ़ कर देंगे तो मैं अपनी पूरी जिंदगी बहुत ही फेथफुल तरीके से फेथफुल मतलब जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हो जिस जो रिलाईबल होता है आप जिसपे ट्रस्ट कर सकते हो जो अपने हु इज़ ट्रू टू वंस वर्ड मतलब जो अपनी बातों का पक्का होता है मतलब आपको वो कभी भी धोखा नहीं देगा तो मैं बहुत फेथफुली अपनी पूरी लाइफ आपकी सेवा करूंगा और मेरी आने वाली जो जनरेशन हैं मेरे बच्चे जो हैं उनसे भी मैं कहूंगा कि वो अपनी पूरी लाइफ आपकी सेवा में जो है वो व्यतीत करें अब फॉरगिव मी द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद एनिमी सो इजीली एंड टू हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड सो so, उसने बोला मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए किंग बहुत खुश हुआ क्योंकि एक राजा के लिए बहुत मुश्किल होता है अगर हर कोई उसका एनिमी होगा तो उसके लिए एक मतलब पीसफुली राज करना पीसफुली अपने किंगडम को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे में एक बंदा जो उसको मारना चाहता था आज वो ही उसका सबसे बड़ा फेथफुल इंसान बन चुका है वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है तो राजा बहुत खुश हुआ कि उस एनिमी के साथ उसने पीस कर लिया मतलब उसके साथ सब शांत हो गया एंड उसने उसको एक फ्रेंड बना लिया है लीविंग द वूंड लीविंग द वडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हर्ट एंड लुकड आउट फॉर द हर्मिट अब इसमें राजा ने उसको प्रॉमिस भी किया कि तुम जो हो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ प्लस तुम जब तक यहाँ पे हो हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो तुमको देखेंगे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है और उसने ये भी प्रॉमिस किया कि मेरी जितनी प्रॉपर्टी है जितनी प्रॉपर्टी मतलब तुमसे मैंने ली हुई है तुम्हारी जो प्रॉपर्टी मैंने सीज़ की थी मैं तुम्हें वापस कर दूँगा तो वो भी बहुत खुश हो गया अब राजा उठा और उसको हर्मिट के पास जाना था क्योंकि अब उसको अपने राज्य वापस जाना था तो उसने सोचा कि एक लास्ट चांस लिया जाए और पूछें तो भाई आंसर दे रहे हो या नहीं सो द किंग वेंट आउट ऑफ द हर्ट एंड लुक डराउंड फॉर द हर्मिट लुक डराउंड मतलब उसने हर तरफ हर्मिट को देखा बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चन जाने से पहले वो चाहता था कि एक बार और वो अपने क्वेश्चन का आंसर्स जान ले हो सकता है हर्मिट इस बार आंसर्स दे दे द हर्मिट was ऑन हिज नीज sowing seeds इन द beds दैट had been dug द डे बिफोर हर्मिट अपने घुटनों पे बैठ के वो जो जितने भी उसने कल जो खुदाई की थी जहाँ पे seeds शो करने के लिए वो सारी seeds को सो कर रहा था द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर my questions, wise मैन जाने से पहले उसने बोला फ़ॉर द लास्ट टाइम मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ मेरे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए यू ऑलरेडी हैव बीन आंसर्ड सेट दर्मिट स्टिल ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हेम अब हर्मिट तो नीचे है वो पूरा खोद रहा था मतलब वो पूरा जो है सी को सो कर रहा था तो उसने किंग की तरफ देखा और कहा आपके जवाब तो आपको मिल चुके हैं यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड तो किंग जो था वो शॉक हो गया हाउ है क्वेश्चन का आंसर कहाँ मिला है मुझे वॉट डू यू मीन Do you not see? replied the hermit. King बोलता है कि मेरे आंसर्स तो मुझे नहीं मिले आपने तो मुझसे बात ही नहीं करी तब हरमिट बोलता है क्या तुम नहीं देख रहे हो If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. अगर कल तुमको मुझ पर दया नहीं आती पिटीड का मतलब होता है किसी किस किसी के लिए सिंपथी करना किसी पे दया करना अब हरमिट इतना वीक और इतना ओल्ड था कि जब वो डिक कर रहा था तो वो बहुत ज़्यादा थक गया था हाँफ रहा था तो किंग ने उसकी हेल्प करी किंग ने बोला आप मुझे दे दीजिए तो हरमिट ने कहा अगर कल तुम तो मुझ पर दया नहीं करते और कल अगर तुम वो जो पूरे जो बेड्स हैं उनको डिक करने में, में मेरी हेल्प नहीं करते और तुम चले जाते तो क्या होता देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी तब वो आदमी ये जो बियडेड मैन है वो तुम पे अटैक कर चुका होता और तब तुम ये विश कर रहे काश मैं हेलमेट के पास ही होता सो द दोस्ट इम्पॉर्टेंट वेन यू वर डिगिंग द बेड्स तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या था जब तुम वो जो बेड्स थे वो डिग कर रहे थे एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस अब किंग के तीन क्वेश्चन क्या थे पहला किसी भी सही काम को करने का सही टाइम क्या होता है हमारी लाइफ में सेकंड क्वेश्चन हमारी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी कौन है किस आदमी की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एंड द लास्ट क्वेश्चन वाज मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम कौन सा है तो हरमिट ने कहा उस मोमेंट पे तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम था मेरे लिए वो गड्ढे खोदना सबसे इम्पोर्टेंट आदमी था मैं और सबसे इम्पॉटेंट काम जो करना था वो ये था कि तुम उस वक्त मेरे लिए अच्छा सोचो मैन रैन टू अर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम हिम बाद में जब वो जो वेड जो जख्मी मैन था जब वो दौड़ते हुए आया, तो सबसे important काम जो था वो था कि हम उसकी हेल्प करें उसका केयर करें बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज अगर तुमने उसके जख्मों का उसमें पूरी मदम पट्टी नहीं की होती तो वो मर जाता एंड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू तो वो तुमसे आज वो तुम्हारा फ्रेंड है वो तुमसे पीस के बिना ही मर जाता सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड वॉट यू डिड फोर हिम वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो उस वक्त तुम्हारे लिए सबसे जरूरी आदमी था वो इंसान और सबसे ज़रूरी काम था कि आप उसके लिए कुछ अच्छा करो रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड देट टाइम इज़ नाउ तो so, तुम्हारे पहले क्वेश्चन का आंसर है हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है अब नाउ बिकॉज फ्यूचर को हम नहीं जानते पास्ट में हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते सो so, सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है अब इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट्स द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है क्योंकि सिर्फ इसी इसी टाइम में हम कुछ कर सकते हैं फ्यूचर के बारे में हम सोच सकते हैं पास्ट के बारे में हम अफसोस कर सकते हैं लेकिन हम उनके लिए कुछ कर नहीं सकते द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इस वक्त मेरे साथ कौन है वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सो so, आपके लिए उस जिस भी पर्टिकुलर मोमेंट पे जो आपके साथ है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि बाकी कोई आपके साथ है ही नहीं फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स नहीं पता कि अगले मोमेंट क्या होगा क्या हम किसी और से मिलेंगे हो सकता है भूकंप आ जाए सब खत्म हो जाए हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो जाए अगर आपको कुछ हो जाए सामने वाले को कुछ हो जाए सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज राइट नाउ यू द पर्सन हुज विथ यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वेंड इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन अब सबसे ज़रूरी काम होता है जिसके साथ आप हो उसके लिए कुछ अच्छा करो क्योंकि हम इसी पर्पज से इस लाइफ में आए हैं हमें ये लाइफ मिली है ताकि हम लोगों के लिए अच्छा करें तुम एक राजा हो राजा को अपनी पूरी प्रजा का ख्याल रखना पड़ता है उसको हर जितने भी अफेयर्स होते हैं जितने भी मैटर्स होते हैं उन सब से डील करना पड़ता है वो चाहता है कि एक सुख शांति से भरा राज्य हो इसके लिए मतलब बेसिकली वो लोगों के लिए अच्छा करना चाहता है तो इस तरीके से हर्मिट ने किंग के तीनों क्वेश्चन को आंसर किया पहला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कोई भी काम करने को कोई भी काम करने का सही वक्त क्या है अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आदमी कौन है जो तुम्हारे साथ है और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि जो तुम्हारे साथ है उस वक्त तुम उसके लिए अच्छा करो सो so, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल मॉडल मिलता है हमको स्टोरी से थ्री क्वेश्चंस जिसको अगर हम अपनी लाइफ में भी यूज करते हैं तो शायद हमें भी कभी फेलियर को नहीं देखना पड़ेगा वी विल बी अलॉट सक्सेस देन व्हाट वी आर राइट नाउ हमें बहुत सारी सक्सेस मिलेगी प्लस हम बहुत हैप्पी रहेंगे क्योंकि हम आज में जी रहे हैं नाउ हियर वी फिनिश अ फर्स्ट चैप्टर द रीडिंग पार्ट ऑफ आर फर्स्ट चैप्टर थ्री क्वेश्चन वेलकम टू ऑल ऑफ यू सो so, अभी हम कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर में फर्स्ट चैप्टर थ्री क्वेश्चन फ्रॉम द बुक हनी कोम्ब इन द लास्ट वीडियो हमने अपना फर्स्ट चैप्टर की रीडिंग का रीडिंग पार्ट पूरा कंप्लीट किया था एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स सो लेट्स बिगिन द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज देयर इन द बुक इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग द अप्रोप्रिएट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस गिवन इन द बॉक्स सो इस तरीके से सेंटेंसेस दिए हुए हैं एंड बॉक्स में हमको फाइव ऑप्शंस दिए हुए हैं सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग मैनी वाइज मैन आंसर द किंग्स क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने किंग के क्वेश्चन को आंसर किया एंड नाउ द ऑप्शन आर बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप टू आंसर थ्री क्वेश्चंस बट देयर आंसर वो वरीट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड सो मैनी वाइज मैन answered द किंग क्वेश्चन बट सो वरीड दैट द किंग वॉज नॉट सेटिस इसका मतलब बहुत सारे लोगों ने किंग के क्वेश्चन को आंसर किया लेकिन उनके आंसर्स इतने डिफरेंट थे कि किंग को सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ नाउ लेट सी द सेकेंड क्वेश्चन सम वन सजेस्टेड दैट देर शुड बी अ काउंसिल ऑफ वाइस मैन किसी ने सजेस्ट किया कि एक काउंसिल होना चाहिए वाइस मैन का अब लेट्स सो ब्लीडिंग तो ये तो हो ही नहीं सकता To answer three questions and follow it strictly to help the king act at the right time. तो लोगों ने सजेस्ट किया था कि किंग कि के पास एक ग्रुप होना चाहिए पीपल का जो कि उसे बता सके कि सही काम को करने का सही टाइम क्या है सो so हमारा आंसर होता है फिफ्थ वन टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम नेक्स्ट इज समन सजेस्टेड दैट द किंग शुड है टाइम टेबल नाउ किसी ने कहा कि किंग के पास एक टाइम टेबल होना चाहिए तो टाइम टेबल के साथ क्या होता है कि हमको उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए तो हमारा आंसर हो जाता है फोर्थ वन एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट अब किंग ने रिक्वेस्ट किया था हर्मिट से क्या रिक्वेस्ट की थी टू आंसर थ्री क्वेश्चन राइट And the last one is the king washed and dressed the bearded man's wound, but the bleeding would not stop. Now, these answers jo are written in the next slide. So, many wise men answered the king's questions, but their answers were so worried that the king was not satisfied. Someone suggested that there should be a council of wise men to help the king at the right time.

कि उसे मजिशियंस के पास जाना चाहिए सो फर्स्ट थिंक अबाउट इट एंड नाउ लेट्स डिस्कस हुआ होगा किंग वॉज एडवाइज टू गो टू द मजिशियंस एज इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम टू डू समथिंग वन नीड्स टू नो द फ्यूचर एंड ओनली मजिशियंस कैन लुक इन टू द फ्यूचर सो अब मजीशियंस क्या करते हैं किंग को चाहिए था कि उसको हर काम को करने का राइट right टाइम पता चल जाए अब ये तो सिर्फ तब हो सकता है जब उसे पहले से पता हो कि क्या होने वाला है इसीलिए बहुत सारे उनके जो समझदार लोग थे उन्होंने सजेस्ट किया कि आप एक मैजिशियन के पास जाओ और वो आपको पहले से बता देंगे क्या होने वाला है आप टाइम डिसाइड कर लेना इसीलिए नाउ लेट्स लर्न द आंसर अंडरस्टैंड द आंसर द किंग वॉज एडवाइस

क्या होने वाला है सो क्लियर विद द फर्स्ट आंसर नाउ लेट्स मूव अहेड सो द क्वेश्चन इज इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन एडवाइस द पीपल से वुड बी इंपॉर्टेंट टू द किंग ओके अगेन आई एम नॉट शोइंग यू द आंसर सो लोगों ने बोला जो सेकेंड क्वेश्चन था किंग का कि हु इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन में किसको सबसे ज्यादा मेरे को किसकी सबसे ज्यादा जरूरत है तो लोगों ने बहुत सारे आंसर्स दिए थे कौन कौन की जरूरत है सो द आंसर इज लोगों ने सजेस्ट किया दैट पुजारी भगवान की शरण में जाइए दूसरा डॉक्टर्स डॉक्टर्स इंपॉर्टेंट है अगर कल को कुछ हो गया मान लो आप किसी वॉर में गए और आपको चोट लग गई तो उस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है आपके लिए डॉक्टर्स एंड द एडवाइस ऑफ काउंसलर्स जो आपके सलाहकार हैं जो आपके राज्य में जो आपको सलाह देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए सो so, ये तीन लोग लोगों ने सजेस्ट किए एडवाइज बेसिकली द काउंसलर्स फिर प्रीस्ट और एक डॉक्टर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सजेस्टेड बाई किंग्स पीपल व साइंस फाइटिंग एंड मोर ओवर रिलीजियस वर्शिप तो लोग जो उसका जो थर्ड क्वेश्चन था कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा काम है तो उसके लिए उनको जो सजेशन्स मिले थे वो थे कि साइंस हमें पता होना चाहिए कि यू you नो know, कौन सी चीज़ कैसे होती है ताकि हम आगे बढ़ सकें हम अपने राज्य को आगे बढ़ा सकें फाइटिंग अगर एक राजा को क्या करना होता है उसको अपना राज्य प्रोटेक्ट करना होता है प्लस एक्सपैंड करना होता है बढ़ाना होता है दोनों ही चीज के लिए उसको क्या जरूरत है अपने फाइटर्स की जरूरत है राइट सो फाइटिंग इज इम्पॉर्टेंट बिना वॉर के वो कैसे किसी दूसरे का राज्य जो है वो अपने से ऐड करेगा सो फाइटिंग इज इम्पॉर्टेंट एंड बाकी बहुत सारे लोगों ने बोला रिलीजियस वर्शिप भगवान के बिना तो कुछ नहीं हो सकता सो दैट्स अ थर्ड आंसर मूविंग फॉरवर्ड द क्वेश्चन इज डेट द वाइस विन द रिवॉर्ड इफ नॉट वाई नॉट सो जितने भी समझदार लोग थे क्या उनमें से किसी को भी रिवॉर्ड मिला सो आंसर इज येस और नो द आंसर इज नो किसी को भी रिवॉर्ड नहीं मिला बिकॉज किंग को सेटिस्फैक्शन ही नहीं हुआ उसको ये लगा यार सब अलग अलग आंसर दे रहे हैं ऐसे थोड़ी ना होता है सो so,

उसमें जो खून जो आता था वो बंद नहीं हो गया क्लियर विद दिस क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन क्वेश्चन इज डन लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द द हु बियडेड मैन हु वॉज द बियडेड मैन डेफिनेटली इट वॉज नो नॉट स्नोमैन राइट द बेड मैन वॉज द स्वर्न एनिमी ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है स्वर्न एनिमी प्लीज रिमेंबर ऑफ द किंग हु वॉन्टेड टू टेक रिवेंज एज द किंग हैड किल्ड हिज ब्रदर एंड हैड टेकन अवे ऑल हिज प्रॉपर्टी सो जो बियडेड मैन था वो एक स्वान एनिमी था किंग का क्योंकि किंग ने उसके भाई को मार डाला था और उसकी सारी जो प्रॉपर्टी थी उसको सीज कर लिया था सो so, टेकन अवे का मतलब होता है सीज ओके सो रिमेंबर दिस थिंग स्वन एनिमी इज अंपॉर्टेंट की वर्ड रिवेंज लेना था उसको क्योंकि उसने उसके भाई को किल कर दिया था और उसकी पूरी प्रॉपर्टी ले ली थी तो ये फोर पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस आंसर को देने के लिए नाउ मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉर गिवनेस वो जो बियर्डेड मैन था उसने किंग से माफी क्यों मांगी ये आंसर तो बहुत सिंपल है राइट right? उसने इसीलिए माफ़ी मांगी क्योंकि किंग कि ने उसकी जान बचाई थी जबकि वो किंग को ही मारने आया था सो लेट्स सी हाउ आई रिटर्न दिस आंसर हाउ वी हैव टू राइट दिस आंसर He had sworn revenge on the king, but the king had saved his life by dressing his wound. Again, इसमें same keyword आ रहा है Please remember this thing कि उसने revenge लेने की प्रतिज्ञा की थी लेकिन किंग ने ही उसको सेव किया बाई ड्रेसिंग हिज वून्ड द बियर्डेड मैन फेल फेल्ट ग्रेटफुल एंड आज फॉर फोगिवनेंस उसको इतना ज़्यादा ग्रेटफुल लगा कि मैं इनको मारने आया था और इन्होंने ही मेरी जान बचाई है कि उन्होंने उनसे माफ़ी मांग ली सो फेल्ट ग्रेटफुल एंड आज फॉर फोगिवनेस फॉर गिवनेस मीन्स क्षमा मांगी राइट right?

उन्होंने उससे प्रॉमिस किया टू सेंड हिज सर्वेंट्स एंड डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम कि वो अपने जो सर्वेंट्स हैं और जो अपना डॉक्टर है उसको भेजेंगे ताकि उसका वुंड प्रॉपर्ली हील हो जाए और लोग उसका ख्याल रख सकें फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट ही वॉज हैप्पी टू हैव मेड पीस विद द एनिमी द किंग वॉज हैप्पी सेकेंड पॉइंट उसने क्या किया द किंग ऑल्सो प्रोमिस टू रिटर्न हिज प्रॉपर्टी सो द किंग वॉज हैप्पी कि उनका जो दुश्मन था आज उनका दोस्त बन गया है तो दो चीजें जो उन्होंने प्रॉमिस की थी पहला कि मैं तुमको अपने सर्वेंट्स और डॉक्टर भेजूंगा जो तुम्हारा ख्याल रखेंगे एंड सेकंड मैं तुम्हें तुम्हारी, तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी जो मैंने सीज की थी वो रिटर्न कर दूंगा कूल मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हर्मिट्स आंसर्स टू द थ्री क्वेश्चंस राइट ईच आंसर सेपरेटली सर डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई नाउ ये एक क्वेश्चन है जो थ्री पार्ट्स में है बिकॉज इसमें वो ये पूछ रहा है कि जो हर्मिट ने तीनों क्वेश्चन के क्या आंसर्स दिए एंड आपको सबसे अच्छा आंसर कौन सा लगा ओके सो लेट सी फर्स्ट आंसर क्या था कि आपके लिए सबसे ज्यादा राइट टाइम पे मतलब कैसे पता चलेगा किसी भी काम को करने का राइट टाइम क्या है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन द किंग वॉज डिगिंग द बेड्स फॉर द हर्मिट हर्मिट ने क्या बोला कि तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम वो था जब तुम मेरे लिए गड्ढे खोद रहे थे ताकि मैं सी सो कर सकूँ क्योंकि अगर तुम वो नहीं करते और मान लो तुम्हें लगता है कि अरे यार, यार ये तो आंसर ही नहीं दे रहा है कौन बैठे यहाँ पे और मैं चला जाता अगर तो तुम पे वो जो बियडेड मैन था वो अटैक कर देता हो सकता है तुम मर भी जाते सो द हर्मिट देन वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस वॉज टू हेल्प हिम और सेकेंड जब वो वेड मैन आया जो बियर्डेड मैन आया जब वो उसको बहुत बुरा ज़ख्म लगा था तब सबसे इम्पोर्टेंट राइट टाइम था कि आप उसकी केयर करो उसको जो इतना जो ज़ख्म लगा है उसकी आप केयर करो सो दैट वॉज द फर्स्ट आंसर नाउ लेट्स मूव फॉर्वर्ड टू द सेकेंड आंसर द मोस्ट इम्पॉर्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वेन द किंग वॉज ड्रेसिंग द मैंस वून्स द बियर्डेड मैन वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन एंड द सर्विस गिवन टू दैट मैन वॉज किंग्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस अब सेकेंड आंसर उसने दिया कि पहला पार्ट तो हो गया कि भाई जब तुम उससे मिलने आए तुमने मुझे देखा तुम पे मुझे तुमको मुझ पर दया आई तुमने मुझे हेल्प किया अगर हेल्प नहीं करते तो मारे जाते तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट काम मेरी हेल्प करना सबसे इम्पोर्टेंट आदमी मैं और सबसे सही चीज़ उस वक्त करने की कि तुम भैया मेरे लिए कुछ अच्छा करो सेकेंड आंसर जब वो वून्डेड मैन आया सबसे पहले उसकी केयर करो राइट सो दैट वॉज द राइट थिंग टू डू सबसे इम्पोर्टेंट आदमी वो बंदा जिसकी आ, हालत बहुत ख़राब है क्योंकि अगर आप उसको उस वक्त नहीं देखोगे वो बोलोगे नहीं मैं तुमको एक आध घंटे बाद देखूँगा तो तब तक तो वो चल बसेंगे राइट right? और लास्ट दैट उस वक्त जो है वो ही तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम था उसका ख्याल रखना उसके लिए अच्छा करना वो तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम था और लास्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इज़ प्रेजेंट सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज़ व्हेन वन इज़ एट दिथ वैन वन इज़ एट द मोमेंट जिसके साथ अभी आप हो वो सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी है

हमारे आसपास जो है हमें उसके लिए बहुत अच्छा करना चाहिए और वही हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है सो आई हैव रिटन आई फील द थर्ड आंसर इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन इफ़ वी डू द राइट एट द प्रेजेंट मोमेंट एवरी थिंग विल बी ऑल राइट इन फ्यूचर फ्यूचर क्या होता है हमारा जो प्रेजेंट है उसी से तो फ्यूचर बनता है राइट right? अगर आज हम सब अच्छा करेंगे सब के लिए अच्छा करेंगे तो इन फ्यूचर सब अच्छा होगा सो दैट्स द लास्ट एडवाइस द लास्ट आंसर गिवन बाय द हर्मिट सो लेट्स मूव फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम्स हमको वर्ड्स दिए हुए हैं डिफिकल्ट वर्ड्स जितने भी हमने चैप्टर्स में मतलब चैप्टर में ऑलरेडी हम जो रीड कर चुके हैं जिनके मीनिंग्स हम समझ चुके हैं वही वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स के साथ उन्हें मैच करना है सो द वर्ड्स आर

पिटी किसी के लिए सॉरी फील करना फील सॉरी फॉर बेड्स स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स एंड लास्ट वन इज रिटर्न मीन्स टू गिव बैक ओके यूजुअली बहुत सारे बच्चे रिटर्न uh, के साथ बैक यूज करते हैं कि यू रिटर्न बैक माई बुक रिटर्न का मतलब होता है गिव बैक सो बैक ऑलरेडी आ रहा है सो वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस ओके सो मूविंग फॉरवर्ड अब हमको इसमें है इसी पार्ट क्वेश्चन का एक पार्ट है इनमें से किसी भी थ्री वर्ड्स से सेंटेंसेस फॉर्म करने सो यू कैन चूज एनी थ्री वर्ड्स यहाँ पे आई हैव जस्ट यूज थ्री वर्ड्स पिटी आई टुक पिटी ऑन अ वेड बर्ड सो इन अ वे एक तीजें दो निशाने दो वर्ड्स एक ही सेंटेंस में द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल प्लीज प्लान द सैबलिंग्स इन द बेड्स सो दिस इज़ हाउ वी हैव मेड थ्री सेंटेंसेस हम और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं जैसे कि फू गिवे सो लाइक आई ब्रोक माई मॉम्स फेवरेट वर्स बट शी फू गिव मी ओके बट शी फो गिव मी फेथफुल हो गया पिटी सो आई फील्ट पिटी फॉर द पुअर फॉमर हु लॉस हिज लैंड एंड रिटर्न प्लीज रिटर्न माई मनी ओके सो मूविंग फॉरवर्ड अब नाउ दिस पार्ट बिफोर वी गो टू दिस पार्ट लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग ओके आई हैव सम स्पेस हियर सो आई मेक यू अंडरस्टैंड सो जो वर्ड्स होते हैं जब हम उनके मीनिंग्स एज पर द फॉर्म बदलते रहते हैं जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं आपसे प्रॉमिस करती हूं, सो आई प्रॉमिस यू मैं आई प्रॉमिस यू एंड दैट आई विल कीप माई प्राम आपसे प्रामिस करती हूँ कि मैं अपना प्रोमिस रखूंगी मतलब मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं अपना वचन निभाऊंगी बट ही यू हैव टू मेक श्योर एंड अंडरस्टैंड कि हमें कैसे वर्ड्स का सही फॉर्म यूज़ करना है राइट right? सो so, अभी हम आगे सेंटेंसेस में यही देखने वाले हैं कि अगर हम उसमें पास्ट टेंस यूज करते हैं या उसका Uh, उसमें कोई सफिक्स लगा के उसे चेंज करते हैं सफिक्स मतलब जैसे कि वर्ड है जज जे यू डी जी ई ओके सो अगर जैसे वर्ड है जज और इस जज में मैं जस्ट सेकेंड अरे ओके okay, सो so अगर द वर्ड इज जज जे यू डी जी ई जज का मतलब न्यायाधीश जो जज करेगा जो उसका जज जो वो जब अब उसने किसी चीज़ को जज कर लिया तो उसने जो फैसला बोला उसको हम बोलते हैं मतलब उसका जजमेंट सही है या नहीं है उसका जजमेंट हो जाता है वो सो so, जो वर्ड हम बाद में ऐड करते हैं उसे बोलते हैं सफिक्स अब जैसे है अपॉइंटेड सो द वर्ड इज अपॉइंटेड अपॉइंटेड के साथ अगर मैं उसमें ऐड कर दूं जैसे कि वर्ड है अपॉइंट ओके ओके, अपॉइंट अपॉइंट का मतलब होता है किसी को किसी काम के लिए रखना मतलब अब अगर मैंने आगे इसके लगा दिया डिसअपॉइंट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपने किसी को निराश किया डिसअपॉइंट किया तो जब किसी वर्ड के आगे जो आप कुछ लेटर्स ऐड करते हो और उसका मीनिंग चेंज हो जाता है इसे हम कहते हैं प्रीफिक्स पहले फिक्स कर देते हैं और जो बाद में ऐड करते हैं उसे हम कहते हैं सफिक्स राइट right? इससे जो वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग्स काफ़ी चेंज हो जाते हैं सो so, अब जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं लेट्स क्विकली सी उसमें फिलअप द ब्लैंक्स हैं लेट्स सी दिस सो हियर वी हैव बीन गिवन सम फिलअप द ब्लैंक्स और हमें इसमें वर्ड्स के सही फॉर्म को यूज करना है एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ही हैज़ डैश टू हेल्प मी डी यू थिंक ही विल रिमेंबर हिज डैश ओके सो द वर्ड इज प्रमिस इस प्रामिस को हमको यहाँ पे यूज करना है सो so, हमने किस तरीके से उसने मुझसे प्रामिस किया है कि वो मेरी मदद करेगा प्रोमिस किया है वी आर टॉकिंग अबाउट पास टाइम सो ही हैज़ प्रामिस्ड टू हेल्प मी डी यू थिंक ही विल रिमेंबर हिज प्रोमिस ओके तो यहाँ पे ये एक वर्ड की तरह यूज़ हुआ है ही हैज़ प्रोमिस्ड टू हेल्प मी कि उसने मुझे क्योंकि उसने कुछ करने के लिए मुझे बोला है करना कोई भी डूइंग वर्ड्स जो होते हैं दे आर आर वर्ब्स सो ही हैज़ प्रामिस्ड टू हेल्प मी एंड यहाँ जो ये प्रामिस है इट्स अ नाउन ओके कि क्या वो अपना प्रोमिस याद रखेगा क्या एक चीज है जिसे वो याद रखेगा दैट्स वाई इट इज़ यूज एज अ नाउन नाउ वी विल स्टार्ट डूंग दीज क्वेश्चन द फर्स्ट वन इज द डैश सेड फिश एविडेंस वुड मेक हिम चेंज हिज डैड सो एविडेंस का मतलब होता है सबूत ओके सो जो कोर्ट में होता है ना जब तक आप मुझे सही सबूत पेश नहीं करोगे मैं आपकी बात पर कोई विश्वास नहीं करूँगा कौन बोलता है ऐसे जज बोलता है सो किसने कहा जज ने कहा सो हियर द आंसर विल बी द जज सेड दैट जब तक आप फ्रेश एविडेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे वुड मेक हिम चेंज तब तक मैं अपना क्या चेंज नहीं करूँगा अब जज तो एक पर्सन है सो so मैं अपना जजमेंट चेंज नहीं करूँगा सो द आंसर इज जजमेंट ओके क्लियर नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड आई डिड नॉट नोटिस एनी सीरियस डैश ऑफ ओपिनियन अमंग द डिबेट ऑल दो दे फ्रॉम वन एंड ओवर स्मॉल पॉइंट्स ना द वर्ड इज डिफर अब हम इस सेंटेंस को हिंदी में समझते हैं मुझे मैंने इतना कोई मतलब उनके विचारों में इतना कोई मैंने यू नो डिफरेंस नोटिस नहीं किया मुझे आंसर बताना पड़ा आपको सो आई डिड नॉट नोटिस एनी सीरियस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द डिबेटर्स ऑल दो दे डैश फ्रॉम वन अनादर ओवर स्मॉल पॉइंट्स जबकि वो एक दूसरे से छोटी छोटी बातों में बहुत छोटी छोटी बातों में वो लोग अलग अलग सोच रहे थे सो so, यहाँ पे हमारा फर्स्ट उस तो फर्स्ट ब्लैंक में डिफरेंस आ जाएगा व्हाट विल कम इन द सेकेंड बैंक सेकेंड ब्लैंक वो लोग कर रहे थे अगेन कोई काम है यहाँ पे तो देअर हियर इट इज यूज एज अउन डिफरेंस आर ई एन सी ई और यहाँ पे आएगा ऑल दो देफर्ड डी आई एफ एफ ई आर ई डी डिफर्ड मीन्स उन्होंने अपने उनके ओपिनियंस में उनके काफी डिफरेंस था और वो लोग एक दूसरे से काफी अलग अलग बातें कर रहे थे नेक्स्ट वन इज इट्स अ फेरी सिंपल क्वेश्चन टू डैश बट विल यू एक्सेप्ट माई डैश एज फाइनल now the word is answer how are we going to use it it's a fairly simple question to अब इसमें दोनों ही जगह मतलब मुझे आपका जवाब देना है और यहाँ पे और इसका जवाब देना बहुत आसान है so दोनों ही जगह we will use the word it's a fairly simple question to answer ये क्वेश्चन को आंसर करना बहुत आसान है बट क्या आप मेरा आंसर एक्सेप्ट आंसर एक्सेप्ट करेंगे सो इट्स अगेन आंसर ओके सो आंसर इट्स नेवर आंसर यू ऑलवेज हैव टू से आंसर ओके बिकॉज ए जो होता है ए का साउंड होता है ए सो so इसीलिए हमको एंसर एंड प्लेन दिस इज हाउ वी से इट नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड इट

क्या ज़रूरी है ज़रूरत से ही आविष्कार हो सो इज इट इज इट इज इट नेसेसरी ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है इट इज इट नेसेसरी दैट नेसेसिटी दैट नेसेसिटी शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि नेसेसिटी जो होती है वही नेसेसरी है ओके okay, तो हमने अगेन यहाँ पे वर्ड के फॉर्म्स चेंज कर दिए हैं

लेके आते हैं कैसे वो लोग सीखते हैं ये किसी को नहीं पता सो so, समझदार समझदार मतलब वाइज समझ मतलब समझदार मतलब वाइज मैं एक समझदार टीचर हूं एम अ वाइज टीचर मेरे पास समझ है इस काम को करने की आई द विजडम टू डू इट अंडरस्टूड नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड द कमिटी हैज़ डैश टू मेक जगदीश कैप्टन ऑफ द टीम द डैश इज लाइकली टू प्लीज एवरी वन ओके सो अब यहाँ पे कम कमिटी ने कुछ किया कमिटी ने एक निर्णय लिया है कि वो जगदीश को कैप्टन बना देंगे सो so, निर्णय लेने को इधर पे भी ये कोई काम कर रहे हैं तो इट्स अ वर्ल्ब यहाँ पे आएगा द कमिटी हैज़ डिसाइडेड टू मेक जगदीश कैप्टन ऑफ द टीम नाउ अब ये जो निर्णय है उन्होंने निर्णय किया है ये एक वर्ब है ये निर्णय है ये एक चीज की तरह एक नाउन की तरह बोल रहे हैं द डिसीजन इज लाइकली टू प्लीज एवरी वन तो उन्होंने जो डिसीजन लिया है प्लीज एवरी वन मतलब सबको बहुत पसंद आएगा सबको बहुत अच्छा लगेगा नाउ द लास्ट वन आस्किंग फॉर डैश इज़ एज नोबल एज विलिंगनेस टू डैश ओके मतलब अगर हम किसी से माफ़ी मांगते हैं वो उतना ही अच्छा काम है जितना माफ़ करना ओके सो आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस क्योंकि हम कोई चीज़ मांग रहे हैं तो इसका नाउन फॉर्म यूज़ होगा आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस एन ई एस एस इज़ एज नोबल एज विलिंगनेस टू फॉर गिव यहाँ पे आप काम कर रहे हो यहाँ पे आपने एज अ नाउन यूज किया है और यहाँ पे आप फॉरगिव एज अ वर्ब यूज कर रहे हो अंडरस्टूड सो बेसिकली वॉट वी अंडरस्टूड थ्रू दिस एक्सरसाइज कि जो वर्ड्स होते हैं उनमें अगर हम कुछ सफिक्स या प्रफिक्स ऐड करते हैं उनका फॉर्म चेंज हो जाता है एंड उनका पूरा बिहेवियर चेंज हो जाता है So this is uh, this was a very important exercise. If we normally then we should understand how to use the correct form of a verb. Right? Now we are done with this question also. Let's move forward. These are the answers. So, now we have two questions, hai, which is a part of speaking and writing. Imagine you are the king. Narrate the incident of your meeting the hermit. बिगिन लाइक दिस अब आपको ये इमेजिन करना है कि आप किंग हो और आपको पूरी स्टोरी ऐसे बतानी है जैसे कि सब कुछ आपके साथ हुआ है सो यू विल थिंक दैट मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आए मेरे दिमाग में तीन क्वेश्चन आए मैं इतने लोगों से मैंने पूछा किसी ने मुझे सही जवाब नहीं दिया फिर मतलब आपको पूरा जो स्टोरी है वो फर्स्ट पर्सन में न रेड करना है ना फर्स्ट पर्सन होता है आई सेकेंड पर्सन होता है यू और थर्ड पर्सन होता है किसी भी थर्ड पर्सन लाइक ही शी एट दे एक्सेट्रा राइट सो यू हैव टू रिमेम्बर हमें ये पूरी स्टोरी फर्स्ट पर्सन में नरेट करनी है सो so, उन्होंने ऑलरेडी बताया है किस तरीके से स्टार्ट करनी है द वाइस मैन आंसर्ड my questions, बट आई was नॉट सेटिस्फाइड विद देयर आंसर्स वन डे आई डिसाइडेड टू गो एंड मीट द hermit. सो so, जितना शॉर्ट में बता सकते हैं हम उस तरीके से वी हैव ऑलरेडी डन इट लेट्स क्विकली गो थ्रू इट द वाइज मैन आंसर माय क्वेश्चंस बट आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद देयर आंसर वन डे आई डिसाइडेड टू गो एंड मीट द हर्मिट हु वाज नोन फॉर हिज विजडम नाउ वी नो द वर्ड विजडम समझ वेन आई रीच्ड हिज हट ही वॉज डिगिंग द अर्थ अर्थ को डिग कराए मतलब उसको डिग नहीं कर रहा है, राइट कि पता चला पूरी अर्थ को लिया और डिग कर दिया अर्थ का मतलब यहाँ से है मिट्टी राइट right? इसका मतलब होता है मिट्टी तो वो मिट्टी को खोद रहा है ही ग्रीटेड मी एंड केप्ट डिगिंग उन्होंने मुझे ग्रीट किया ग्रीट मतलब हाय हेलो किया और ही केप्ट डिगिंग आई पुट माई क्वेश्चन बिफोर हिम बट ही एवर केप्ट मम बट ही होता है वो चुप रहे यू कैन ऑल्सो से इसमें मम की जगह यू कैन ऑल्सो से साइलेंट बट ही रिमेन साइलेंट ओके नेक्स्ट ही वॉज फीलिंग टायर्ड आई टुक द स्पेड एंड स्टार्टेड डिगिंग फॉर हिम आई रिपीटेड माई रिक्वेस्ट फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन जस्ट देन अबियडेड मैन केम देअ हैड टू रिड्रेस हिज वोन्ड

कैसे वो उस बियडेड मैन को मिला वो कैसे वॉन्टेड था कैसे उसने उससे माफ़ी मांगी सो इफ यू वुड वॉन्ट टू राइट राइट द इंटायर पैराग्राफ दैट वुड बी लवली ओके आप लोग लिख सकते हैं उसको शेयर कर सकते हैं एंड देन वी विल सी कि कैसा लिखा है ओके नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड सेकेंड है सेम पूरी स्टोरी सो ये नरेशन का एक पार्ट है जो हमारे ग्रामर का एक पार्ट uh, होता है ये पूरा नरेशन है कि पहले आपने नरेट किया स्टोरी इफ़ एज इफ़ यू आर अ किंग नाउ यू हैव टू नरेट द सेम स्टोरी एज इफ़ यू आर द हर्मिट कि मैं जो थे मैं गड्ढे खोद रहा था तभी एक किंग मेरे पास आया उन्होंने मुझे ग्रीट मैंने उन्हें ग्रीट किया तो ये पूरा अब हर्मिट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्टोरी बतानी है ओके सो लेट्स सी और उन्होंने बताया है हाउ डू वी हैव टू बिगिन इट वन डे आई वॉज डिगिंग इन माई गार्डन अ मैन इन ऑर्डिनरी क्लोथ्स केम टू सी मी आई न्यू इट वॉज द किंग सो इस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे कि एक दिन मैं गड्ढे जब मतलब जो क्यारियाँ बना रहा था तब एक आदमी आया मेरे पास मुझे पता था वो कौन है किंग नाउ लेट सी दी आंसर वन डे आई वॉज टिगिंग इन माई गार्डन द मैन इन ऑर्डिनरी क्लोथ्स केम टू सी मी आई न्यू इट वॉज द किंग बट कैप्ट टिगिंग मुझे पता था वो किंग है लेकिन मैं डिग करता रहा आई वर्क हार्ड एंड गॉट टायर्ड मैंने बहुत ज़्यादा काम किया था और मैं बहुत टायर्ड फील कर रहा था ही पुट थ्री क्वेश्चन बिफोर मी पुट थ्री क्वेश्चन नाउ यू कैन इधर से ही आज थ्री क्वेश्चन या उन्होंने यूजुअली भी से ही पुट थ्री मतलब उन्होंने मेरे सामने तीन प्रश्न रखे सो ही पुट थ्री क्वेश्चन बिफोर मी टू आंसर बट आई केप्ट मम सेम लाइन लेकिन मैं चुप रहा बट आई केप्ट साइलेंट यू कैन यूज दैट ही आस्ट मी टू गिव अवे माई स्पेड एंड ही स्टार्टेड डिगिंग उन्होंने मुझसे मेरा स्पेड मांगा इफ यू रिमेंबर स्पेड मतलब फावड़ा राइट right? सो so, ही आज मी टू गिव माई स्पेड और उन्होंने डिक करना स्टार्ट कर दिया नाउ जस्ट देन आई सॉ अड मैन कमिंग एंड मेड द किंग टर्न अराउंड तभी मैंने देखा कि कोई एक बहुत ही दाढ़ी वाला आदमी दौड़ते हुए आ रहा है और मैंने किंग को बोला पीछे देखो आई विद द हेल्प ऑफ किंग ड्रेस द वडेड बियडेड मैन तो विद द हेल्प ऑफ द किंग मैंने उसको जो वेड मैन था उसको हमने ड्रेसिंग किया एंड टुक हिम इन द हट आई सर्व हिम विद फूड एंड ही स्लेप्ड उसको हमने खाना दिया पानी दिया और वो सो गया द किंग रिपीटेड हिज क्वेश्चन इन द मॉर्निंग ओके यू कैन एडर इन द मॉर्निंग सो किंग ने अपने क्वेश्चन रिपीट किए ओनली देन आई गेव दस टू हिस्सफैक्शन तभी मैंने उसको सारे आंसर्स दिए क्योंकि एक्चुअली उसके मुझे ये बताना था कि आपके आंसर्स तो आपके सामने हैं ही रिगार्डेड मी विद बो हेड एंड वेन टू हिज कैपिटल उन्होंने मेरे सामने वो झुके थैंक यू बोला और वो चले गए राइट right? सीओ so, हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था थ्री क्वेश्चंस मूविंग फॉरवर्ड देयर इज अ स्वीट शॉर्ट एंड वेरी क्यूट पोम एंड द नेम ऑफ द पोम इज द स्वर अब ये जो पोम है ये लिखी गई है लिखी गई है मिल्ड्रेड बोस आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा तो शी इज़ अ पोइटिस और ये जो हैं ये हमेशा से बहुत इंटेलिजेंट रही हैं ये बहुत मस्तिक हो रही हैं बचपन से और इन इस पोम में हमें ये पता चलेगा कि इनको जो लाइफ में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जैसे स्क्रल्स और प्लांट्स होते हैं उनके बारे में शी वॉन्ट्स टू टॉक उनको ये बताना है कि लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें हमें कितनी खुशियाँ दे सकती हैं कितनी हैप्पीनेस दे सकती है नाओ let's read the poem it's a very short only six lines poem quickly go for it he wore a question mark for tail an overcoat of gray he sat up straight to eat a nut he liked to tease and play and if we ran around his tree he went the other way now usually hamjabi animals we use the word it but here we have used the word he because हम इसमें पर्सोनिफिकेशन यूज कर रहे हैं पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब भी कोई आ, मतलब नॉन लिविंग थिंग होती है या कोई एनिमल होता है जिसको हम ह्यूमन क्वालिटी देते हैं जैसे द फ्लावर्स स्माइलिंग एट मी अब फ्लावर्स के नॉट स्माइल एट यू बट इधर पे हमने उनको एक ह्यूमन क्वालिटी दी है इसे हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं सो दैट इज वाई वी हैव यूज द वर्ड ही राइट सो ही वोज अ क्वेश्चन मार्क फॉर

एंड उसकी जो पूरा उसका जो फर है वो ग्रे कलर का है तो ऐसा लग रहा है जैसे उसने एक ओवरकोट पहना हुआ है विच इज़ लाइक रियली बेग एंड वो जो है वो ग्रे कलर का है ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अट वी ऑल नो स्कुर का फेवरेट फूड होता है नाट्स सो स्कूर यूजअली देर अन हेयर एंड देयर लेकिन जब भी वो कुछ खाते हैं उनकी एक स्पेसिफिक पोजिशन होती है सो देट बैक एंड देन दे ईट विद देयर हैंड्स सो दैट्स वॉट पोएट पोइट इज टॉकिंग अबाउट ही सैटअप स्ट्रेट टू ईट नाट अब यहाँ पे जस्ट इमेजिन दैट बहुत ब्यूटिफुल सा गार्डन है जहाँ पे जो पोएटर्स हैं हमारी वो अपनी फ्रेंड्स के साथ खेल रही हैं हाउ डू वी नो कि वो अपनी फ्रेंड्स के साथ खेल रही हैं बिकॉज द वर्ड इज वीयर सो विविन टॉक अबाउट इट सो इमेजिन दैट द इज अ ब्यूटिफुल गार्डन जहाँ पे पोइटर्स अपनी फ्रेंड्स के साथ खेल रही हैं सडनली शी सीज द स्वर हु इज लाइक वेयरिंग दिस क्वेश्चन मार्क फॉर द टेल पूरी ग्रे कलर का फर है एंड हु इज ईटिंग नॉट ही लाइक टू टीज एंड प्ले नाउ शी इज सेट दिस क्विडल इज वेरी नोटी एंड हैप्पी इन नेचर इट्स वेरी लाइवली बहुत मस्ती खोर है बहुत मतलब खुश मिजाज है और उसको चिढ़ाना बहुत पसंद है तीस का मतलब होता है चिढ़ाना तो उसको चिढ़ाना बहुत पसंद है इसीलिए जब भी पोइटस और उसकी जो फ्रेंड्स हैं जब वो लोग स्क्विरल्स के साथ खेलने के लिए एक साइड से उसके पास जाते हैं तो स्क्विरल ट्री के दूसरे साइड से दूसरी तरफ भाग जाती है मतलब यहाँ पे वो पोइटस से डर नहीं रही है यहाँ पे वो उसके साथ मस्ती कर रही है उसके सारे फ्रेंड्स के साथ मस्ती कर रही है सो शी इज टीज द स्क्विरल इज टीजिंग एंड इट्स प्लेइंग विद पोइट्स एंड हर फ्रेंड्स सो दैट इज़ ऑल अबाउट आ पोम That's it. Now we will see a quick summary and then we'll see the question answers. But one very important thing, जितनी भी इसमें poetry devices होती है हम जब भी कोई poem कोई भी poem पढ़ते हैं उसमें बहुत अलग अलग devices यूज़ होती हैं जैसे कुछ में similes यूज़ होती है कुछ में अलिट्रेशन यूज़ होते हैं कुछ में personification use यूज़ होते हैं एंड सो ऑन एंड forth. तो जो भी devices इसमें यूज़ हुई हैं हम उसको एक बार डिस्कस करेंगे बिकॉज इस पे बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन पूछा जा सकता है

जगह पे बैठी हुई है मतलब मतलब होता है स्ट्रेट बैक, ओके? का मतलब होता है है है। है, का एक के के साथ बैठ वो खा खा रही वर्ड ही क्वेश्चन मार्क बिकॉज ऑफ इट्स बेंट शेप उसकी जो टेल है वो एक क्वेश्चन मार्क की तरह लग रही है बिकॉज उसकी जो जो उसका जो टेल है वो पूरा ऐसे बेंड है सो सी दिस लुक्स लाइक अ क्वेश्चन मार्क राइट द हैप्पी एंड लाइवली स्क्विरल लव्स टू प्ले विद द पोएट एंड हर फ्रेंड्स सो ये जो हैप्पी और लाइवली स्क्विरल है इसको पोएटर्स के साथ और उसके फ्रेंड्स के साथ खेलने में बहुत मजा आता है वेन एवर दे रैन राउंड हिस्ट्री वुड रन टू द अदर साइड ऑफ द ट्री जब भी वो एक तरफ से उसके साथ खेलने के लिए जाएंगे तो वो दूसरी तरफ से भाग जाता है सो दिस इज हाउ वी टॉक अबाउट दिस नाउ द पोएट टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ द स्कूर अब यहाँ पे हमें पोएट जो है वो उसके नेचर के बारे में बता दें दैट इट इज इनोसेंटली नोटी एंड लाइक्स टू एंड लाइक्स टू दिज कम्स लाइक्स टू प्ले विद एनी वन हु कम्स नियर हिम सो जो स्क्वेडल है हमने कैसे वर्ड्स यूज किए हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए हैप्पी नोटी मिसचिवियस एंड इनोसेंटली नोटी मतलब वो बहुत एक बच्चों की तरह जैसे उनमें एक इनोसेंस uh, होती है वैसी नोटी है जिसको बहुत मज़ा आता है खेलने में एंड इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ द पोएट्स डिजायर अगर हम इस पोएम को देखें पूरी तो ऐसा लगता है कि पोएट का मन क्या है टू कम्पोज पोएट्री ऑन द मोस्ट ऑर्डनरी एलिमेंट्स दैट वी कम अक्रॉस इन आवर डेली लाइफ्स हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी ऑर्डनरी चीज़ों को देखते हैं फ्लावर्स प्लांस बर्ड्स स्क्विल्स एंड्स सो पोएट चाहती है कि वो हर उन छोटी छोटी चीज़ों को डिस्क्राइब करे यू नो सो दैट शी कैन कवर अप ऑल द ऑर्डनरी थिंग्स क्योंकि ये ऑर्डनरी चीज़ें हैं जो हमें कभी कभी बहुत सारी हैप्पीनेस दी जाती हैं नाव

so that is again personification, okay? so human characters thereby making it look very descriptive. it's important because it makes आपका जो पूरा पोम है उसको बहुत डिस्क्रिप्टिव बना देता है जिसमें आप बहुत सारे इमोशंस ऐड कर सकते हो अब है एटमोसफेयर ऑफ द पोम जब भी हम को, कोई भी पोम पढ़ते हैं जैसे कि हम झांसी की रानी के बारे में पढ़ते हैं खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी हमारे अंदर पेट्रियोटिज्म आ जाता है हमें भी ऐसा लगता है कि काश हम भी अपने देश के लिए कुछ कर सकते थे वैसे ही इसको बोलते हैं एटमोसफेयर ऑफ द पोम तो यहाँ पे एटमोसफियर मतलब उसका वातावरण कैसा है चेयरफुल एंड एक्सप्रेसिव चेयरफुल मीन्स हैप्पी और एक्सप्रेसिव मीन्स वो छोटी छोटी बातों को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर रहे हैं ना तो राइटिंग जिस तरीके से लिखा है ऐसा लग रहा है जैसे किसी बच्चे ने लिखा है सो द राइटिंग रटिंग द एटीट्यूड ऑफ अ चाइल्ड एंड फॉर्म जो पोइट का जो पोम का पूरा फॉर्म है इट्स डिस्क्रिप्टिव एंड नारेटिव इन नेचर सो अगर आपसे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आते हैं कि जैसे पोम का फॉर्म क्या है या पोम का मूड क्या है तो एटमोसफेयर और मूड राइटिंग किस तरीके की है इसमें किस तरीके की पोएट्री डिवाइस यूज हुई हैं सो so आप इसमें से आंसर्स दे सकते हैं सो नाउ लेट्स क्विकली मूव अहेड विद द क्वेश्चन आंसर्स राइट सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन व्हाई डज द पोएट से द स्करल वो द क्वेश्चन मार्क फॉर टेल ड्रॉ अ और फाइंड अ पिक्चर ऑफ अ स्कूर सिटिंग ऑन द ग्राउंड वो हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट्स टेल, नाउ दिस क्वेश्चन हैज थ्री पार्ट्स फर्स्ट क्वेश्चन इज की पोएट जो है उसने जो स्कूरल की टेल को क्वेश्चन मार्क के शेप में क्यों डिस्क्राइब किया है ना सेकेंड पार्ट इज दट यू हैव टू ड्रॉ स्कूरल एन ऑल सो वो तो आप लोग कर लेना एंड द थर्ड पार्ट इज कि अगर आप पोइट की जगह होते या अगर आप पोइट होते तो आप स्क्विल की टेल को कैसे डिस्क्राइब करते अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चन मार्क ओके सो आई नो बहुत सारे फनी आंसर्स आएंगे लेट्स ही क्या आते हैं सो ह्यो द पोएट सेज सो जो पोइट ने ये कहा है दैट यू नो इट वो द क्वेश्चन ही वो द क्वेश्चन मार्क फॉर टेल उसने ये इसीलिए कहा है बिकॉज अब प्लीज अंडरस्टैंड

और, bent है, और वो क्वेश्चन मार्क के फॉर्म में आती है इसीलिए ने इस स्क्विरल की टेल को क्वेश्चन मार्क से कंपेयर किया बिकॉज इट्स वेरी सिमिलर डो नॉट राइट सेम देर डिफरेंस बिटवीन सेम एंड सिमिलर कोई चीज एग्जैक्टली exactly वैसी है तब हम सेम बोलते हैं लेकिन ऑलमोस्ट वैसी है या उसके जैसे दिखती है तब हम सिमिलर बोलते हैं सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग सो अब हाउ वुड यू डिस्क्राइब सो यू कैन डिस्क्राइब डिस्क्राइब इट द वे यू वॉन्ट मैंने इसको कैसे डिस्क्राइब किया so like, है ना लुक दिस इज द टेल सो इज इट लाइक ऐसा लगता है ना बहुत बड़ी सी स्लाइड है सो जस्ट इमेजिन एक ब्राउन कलर की या ग्रे कलर की बहुत बड़ी सी स्लाइड है जिसमें आप ऊपर तक जाओगे न, नीचे सो आई है स्लाइड इन द पार्क विच इज सॉफ्ट एंड सो मच फन ना आई वुड वेट फॉर योर आंसर कि आप स्कूल की टेल को कैसे डिस्क्राइब करोगे एंड आई एम श्योर मेरे पास बहुत ही क्रिएटिव और फनी आंसर्स आएंगे नाउ लेट्स सी द सेकेंड क्वेश्चन नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज डू वी यूजअली से दैट एन एनिमल वेयर ट्रेल टेल वॉट डू वी से क्या हम यूजअली बोलते हैं कि जो एनिमल है उसने कोई भी एनिमल ने उसने टेल पहनी हुई है या उसने कान पहने हुए हैं या उसने उसके हाथ पहने हुए नो वी से इट हैज़ अ टील और इट हैज़ लेग्स और इट हैज़ ईयर्स राइट सो दैट इज अपल आंसर वी यूजली से दैट द एनिमल हैज़ अ टील रादर देन यूजिंग द एक्सप्रेशन वीर सो वी डो नॉट से वेयर वी सेज अ टील अ वेरी सिंपल क्वेश्चन विद विद एक्सट्रीमली सिम्पल आंसर Now let's go to the next question and the last question. He liked to tease and play. Who is teasing whom? So here and how? So the question is, he likes to tease and play. So कौन किसको tease कर रहा है? Here the poet is teasing the squirrel along with his friends. जो हमारी poet है वो squirrel को बाकी लोगों के साथ tease कर रही है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है, वो उसके साथ मस्ती कर रही है।

About to start with the second chapter in our next video. So, stay tuned, stay safe. Thank you.